नमस्कार, आशीष मित्तल फ्रॉम आर्ट्स एंड वुड्स। फ्रेंड्स, अनदर टेम्पल डिजाइन, एक और लकड़ी का मंदिर, एक खूबसूरत डिजाइन जैसा आप देख सकते हैं, और एक ये कंप्लीट पैकेज है टेम्पल का। आपको एक टेम्पल में अगर डोर वाला टेम्पल चाहिए तो इसमें आपके लिए सब कुछ है। स्टोरेज एरिया, भोग ट्रे, डोर, डोर में बेल्स, डोम और साइड में जाली। पॉइंट बाय पॉइंट हम बाद में चलेंगे, पहले मैं आपको इसका साइज बता दूं। लेट्स टॉक अबाउट द साइज फर्स्ट। दिस इज 3 फीट लेफ्ट टू राइट, 3 फीट फ्रंट टू बैक, 18 inches। हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म फ्रॉम द ग्राउंड इज 24 inches, 2 फीट। डोर साइज इज 3 फीट। टोटल हाइट विद द शिखर इज 7.5 फीट एंड मेड ऑफ टीक वुड एंड इन हाई ग्लॉस टीक फिनिश। तो यूनिट टीक वुड में है, टीक फिनिश में है, शिखर, डोर और स्टोरेज एरिया के साथ। पहले हम स्टोरेज एरिया की बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द स्टोरेज एरिया फर्स्ट। इट हैज गॉट अ कैबिनेट। कैबिनेट इज गुड व्हेन यू हैव समथिंग लाइक बॉटल्स, गंगा जल की बॉटल है, ऑयल की बॉटल है, तो वो आप ड्रॉवर्स में नहीं रख सकते क्योंकि ड्रॉवर्स जनरली डेप्थ इनकी कम होती है और स्लांट करके रखने में गंगा जल या आपका ऑयल की बॉटल गिर सकती है, ऑयल गिर सकता है। तो स्टैंडिंग पोजीशन में रखने के लिए कैबिनेट काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है। 3 ड्रॉवर्स वी हैव हियर एंड देन वी हैव अ भोग ट्रे। फुल लेंथ भोग ट्रे है इसमें दिया ट्रे की जगह। अगर आपको दिया ट्रे चाहिए तो नॉर्मली वो स्मॉल छोटी बनती है, अगर आपको भोग ट्रे चाहिए तो वो इस तरह से बनती है और काफी ये स्ट्रांग होती है वेट लेने के लिए। अब आते हैं सेंटर पार्ट पर। वी हैव दिस डोर कॉन्सेप्ट हियर, ओम स्वास्तिक शंकु चक्र एंड द बेल्स डिजाइन ऑन द डोर एंड बोथ साइड्स वी हैव गॉट पिलर डिजाइन। ऑन द साइड, ऑन बोथ साइड्स वी हैव अ जाली डिजाइन फॉर द वेंटिलेशन इनसाइड। सो इट्स नॉट कंप्लीटली क्लोज्ड बॉक्स, अ लिटिल वेंटिलेशन ऑन बोथ साइड्स एंड देन द डोर एरिया। अबव द डोर वी हैव दिस नाइस कार्विंग डिजाइन and a big shikhar on the top that completes the unit. Door ke andar ki baat karein to abhi ye bilkul open area hai. Agar isko aapko segregate karna hai, aap isme partition chahe to wo aapki requirement ke hisab se lag sakte hain, usme koi issue nahi hai. Bell ki baat karein, solid brass ki bell hai, isme silver coating hai beech mein और सॉलिड ब्रास की काफी अच्छी आवाज है इसकी बेल की, और ये डोर में कुछ इस तरह लगती है। सिर्फ हैंग करनी है, हुक इसमें लगा हुआ होता है। अब बात करते हैं डिजाइनिंग की। देखिए, 24 इंचेस कैबिनेट हाइट जब हम लेते हैं, जनरली दिस टाइप ऑफ हाइट इज गुड व्हेन यू आर स्टैंडिंग एंड प्रेइंग और यू हैव अ स्मॉल स्टूल इन फ्रंट ऑफ इट एंड यू सिट ऑन इट एंड प्रे। अगर घर में एल्डर्स हैं, उन्हें जमीन पर बैठने में दिक्कत होती है, तो सामने कुर्सी डालकर प्रे करने के लिए दिस इज एन गुड हाइट, 24 inches। देन यू कैन गो फॉर मोर हाइट ऑल्सो, 30 or 36, डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट। डोर की हाइट डिपेंड करती है कि आपके पास बड़ी मूर्ति, छोटी मूर्ति, फोटो, कितना बड़ा एरिया आपको अंदर कवर करना है, अकॉर्डिंगली अंदर का एरिया डिजाइन होता है। काफी सारे हमारे यूनिट्स हैं जिसमें पिलर का डिजाइन फ्रंट पर होता है, पिलर विद द एलिफेंट डिजाइन एंड विद अदर डिजाइंस, एंड दे आर नॉट विद द डोर्स। व्हेन यू आस्क अस टू कन्वर्ट अ पिलर टाइप डिजाइन टू अ डिजाइन लाइक डोर, दिस टाइप आउटपुट वुड कम बिकॉज दिस पिलर वुड कवर सम एरिया इन द फ्रंट, सो डोर विल स्टार्ट आफ्टर द पिलर, सो द डोर वुड बी स्मॉलर एंड सिमिलरली द इनर एरिया ऑल्सो। If I show you inside of this, you can see here we have lesser space on the front. The inner space is more than the door part. So, जो pillar का area है, उतना ही area front पर हमारे पास कम हो जाता है। तो अगर आप कोई pillar type design हमारा देख रहे हैं open में और आप उसको convert कराते हैं door type model में, तो कुछ इस तरह से आता है। And if you remove the pillars completely, then we can move the door to the corner and we get more space in the middle that way.
So we have to remove the pillar part here. In designs where we have elephants or peacocks sitting underneath the pillar, उसमें डोर बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इस एरिया में या तो आपको हाफ एलिफेंट सिर्फ फेस फेस एरिया रखना पड़ेगा, अगर आप फुल एलिफेंट लेते हैं तो ये साइड लेफ्ट और राइट की साइड पूरी तरह कवर करने में थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम होती है, तो इसीलिए मोस्टली डिज़ाइन कुछ इस तरह से बनते हैं। जब हम कोई भी मंदिर डिज़ाइन करते हैं, व्हेनेवर वी आर डिज़ाइनिंग एनी टेम्पल, द फर्स्ट थिंग इज द स्पेस यू हैव, द हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म यू रिक्वायर, then the space inside the garbhagriha and the top part kalash, whether you want it or you don't want it, then we can go for colors and the bell design or something else, that is again your choice. So mukhyatah platform ki height, inside area or kalash or outer size, ye aapko decide karna hota hai. Then you can pick any model of ours from the website arsonwoods.com. there is a section called temples, usme 100 se upar design hai ओरिजिनल, और उन सब डिज़ाइंस की काफ़ी सारी वीडियो आपको यूट्यूब पर मिलेंगी। लगभग 500 से ऊपर वीडियोस हमारी यूट्यूब पर हैं, जिसमें बहुत सारे मंदिर के डिज़ाइन छोटे बड़े मैंने आपको दिखाए हैं। तो कोई भी आपको डिज़ाइन पसंद आए, हम उसको आपके अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हैं। एनी क्वेश्चंस यू हैव अबाउट द टेम्पल्स, यू कैन कॉन्टैक्ट अस। इन सेवरल वीडियोज़ वी हैव एक्सप्लेन्ड अबाउट द वास्तु पार्ट, और कुछ दिन पहले पंडित जी भी हमारे साथ थे, पंडित मोदी झा जी, उन्होंने काफ़ी एक्सप्लेन किया था मंदिर की स्थापना के बारे में भी। आप चाहे तो वो वीडियो भी चेक कर सकते हैं, और इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू आर मोर देन वेलकम टू आस्क अस। हाउ यू लाइक द वर्क प्लीज़ लेट अस नो। थैंक यू सो मच।